नमस्कार, डिजिटल भारत खबर 7C में मैं रुचि आपका स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह जिले में कुएं में गिरने से महिला की मौत। जमशेदपुर में आजसू पार्टी के छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के प्रभारी को बनाया बंधक। जबलपुर शहर में शराब दुकान कर्मियों ने की युवक के साथ मारपीट। जबलपुर शहर में अनंत स्पाइन क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ शराब दुकान के 3 कर्मियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। जबलपुर शहर के आधारताल थाना अंतर्गत अमखेरा क्षेत्र में शराब दुकान के कर्मचारियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि यहाँ इन कर्मचारियों ने एक युवक पर चाकू और लोहे के पाइप से वार कर दिया। साथ ही युवक को मार मार कर अधमरा कर दिया और घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गए हैं। वहीं घायल ने बताया कि उसके मामा को शराब दुकान के 3 कर्मचारियों के द्वारा मारा पीटा जा रहा था। जब वह मामा को बचाने पहुंचा तो कर्मचारियों ने मामा को छोड़ भांजे की ही पिटाई कर दी और साथ ही धमकी भी दी कि अगर पुलिस को इसकी सूचना दी तो भी पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती। घायल जबलपुर के जिला अस्पताल में इलाजरत है। आ रहा था तो भैया लाल को मतलब कुछ लोग छेड़ रहे। कौन है भैया लाल? हमारा मामा लगता है। कहाँ रहते हैं? अंतेरा। तो कलारी मुन्नू का विवाद चल रहा था, पुरानी दुश्मनी होगी शायद कलारी वाले से, उसको मार रहे थे भैया लाल को। तो वहाँ जान के अपन भी लिपटे लिपटे जीने लगती हुई, फिर उनको छोड़ कर मतलब हमको फिर मारे तरीके से। क्या मारे आपको? पाइप मारे हैं और चाकू मारे हैं। जबलपुर शहर के गोरखपुर क्षेत्र में एक दबंग युवक ने अपने मकान निर्माण के चलते पूरे मोहल्ले के मार्ग को बाधित कर रखा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी इस व्यक्ति के खिलाफ बोलने या शिकायत करने के लिए तैयार ही नहीं है। जबलपुर शहर के गोरखपुर क्षेत्र कुमार मोहल्ले में एक दबंग व्यक्ति के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। इस व्यक्ति ने दोनों तरफ के मार्गों को बाधित कर रखा है। बीच सड़क पर ही ईंट, रेत, गिट्टी व नगर निगम का टैंकर विगत दिनों से खड़ा है, जिसके कारण अन्य मोहल्ले वासियों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। क्षेत्र वासियों ने बताया कि विगत कुछ दिनों से दबंग व्यक्ति ने सड़क को जाम कर रखा है, लेकिन व्यक्ति इतना दबंग है कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। जाने वालों को काफी असुविधा होती है। स्लैब का दिन था और भाई 5 घंटे में कार्य समाप्त हो गया और पूरा माल समट चुका है। आप भी देख चुके हैं यहाँ पे, फिर पूरी रास्ता चालू हो जाएगी। जबलपुर शहर में वर्कर यूनियन के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को और बढ़ावा देने के लिए वर्कर यूनियन का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वहाँ जाकर यूनियन के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन का समर्थन करेंगे। जबलपुर शहर में वर्कर यूनियन का एक और जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कुछ दिनों से वर्कर यूनियन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। संघ के सदस्यों द्वारा फैक्ट्री के निजीकरण ना होने की मांग के लिए यह आंदोलन कई दिनों से किया जा रहा है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जबलपुर से भी वर्कर यूनियन का एक जत्था रवाना हो चुका है। भूख हड़ताल में भाग लेने के लिए CKW वर्कर्स यूनियन के समस्त पदाधिकारी आज यहां से रवाना हो रहे हैं और हम लोग कल वहां पर भूख हड़ताल में लेके केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। नीति के तहत जो आयोग निर्माणियों के कोर नॉन कोर आइटमों में बांटा है, इसके तहत हमारी आयोग निर्माणियों के बहुत से जो उत्पाद हैं उसको प्राइवेट में दे दिया गया है। इसका जो असर है, दुष्प्रभाव है, वो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पड़ेगा। सुरक्षा संस्थानों को निजी हाथों में देना ये देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इसका ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन सख्त विरोध करती है। जबलपुर शहर में लगातार बारिश से मानसून को और रफ्तार मिल गई है, जिसके कारण माहौल में बदलाव हुआ और तापमान में गिरावट के चलते कुछ ठंडक पैदा हो गई है। जबलपुर शहर में मानसून की रफ्तार अब तेज हो गई है। बारिश के कारण मौसम में हल्की सी ठंडक भी घुल गई है। मौसम में आए इस बदलाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हुई। बीते दिन हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जिसके कारण शाम तक मौसम में कुछ ठंडक का एहसास होने लगा। साथ ही तापमान में भी गिरावट आई, जिससे शहर वासियों को थोड़ा ही सही लेकिन सुकून मिला।
भिड़त एक बस के साथ हो जाने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर शहर से बालाघाट पेशी करने जा रहे टेढ़ी नीम हनुमान ताल निवासी की कार को सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा जबलपुर और बालाघाट के बीच भदरई घाटी में हुआ, जिसमें चार लोगों के दम तोड़ने के साथ साथ चार और लोग भी घायल हो गए। सभी घायलों का जबलपुर में इलाज चल रहा है। और बोल रहा था कि ये आप बसीर खान बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं? हमने कहा कि हाँ सर, मैं बसीर बोल रहा हूँ। बोले कि इसमें आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपके यहाँ की जो परिवार के जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? तो बोले मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे को फ्लाइट पकड़ना है। मैंने आपको फ़ोन कर दिया, इतना ही है कि आप जल्दी आ जाना। तो फिर मैंने यहाँ से अपनी गाड़ी वैगन आर में फिर वहाँ गया मैं लखनऊ। तो स्पॉट पर ख़त्म हुए थे। तो पुलिस वालों ने बताया भी है कि आप हैं वहाँ के। मैंने कहा हाँ। तो बोले दो स्पॉट पर ख़त्म हो गए, तीन और दो पाँच यहाँ रेफर किए। जबलपुर शहर के अनंत हॉस्पिटल के अनंत स्पाइन क्लिनिक का सांसद राकेश सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस क्लिनिक से शहर व प्रदेश भर में रीढ़ की हड्डियों से संबंधित सभी परेशानियों का निवारण फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाएगा। जबलपुर में रीढ़ की हड्डी की अति विशेष सेवा की घोषणा करते हुए आज अनंत हॉस्पिटल में अनंत स्पाइनल क्लिनिक का शुभारंभ सांसद राकेश सिंह ने फीता काट कर किया। इसमें देश विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त कर डॉक्टर पांसे ने फिजियोथेरेपी से रीढ़ की हड्डियों से संबंधित भौतिक चिकित्सा प्रणाली एवं चिकित्सा पद्धति से मरीजों के लक्षण के अनुरूप ढाल कर उनकी पीड़ा रहित इलाज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की विशेष बात यह है कि बिना ऑपरेशन के ही इलाज किए जाने पर जोर दिया जाता है। जबलपुर शहर में मैंने देखा है कि एक स्पाइन के लिए फोकस्ड अप्रोच अभी तक नहीं था। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक फोकस्ड अप्रोच एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच के तहत स्पाइन क्लिनिक को धीरे धीरे डेवलप किया जाए, ताकि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम लोगों ने सुविधाएं देखी हुई हैं और एक एक चीज़ छोटी छोटी जो हम लेके यहाँ पे आ रहे हैं उसका लाभ यहाँ के लोग ले सकें। जिसकी वजह से मैंने कट्टी में दिखाया तो उन्होंने सीधे बोल दिया कोई ट्रीटमेंट नहीं, ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट, बोल दिया कि लकवे की शिकायत है। बट जब मैं यहाँ आई तो लकवा नहीं था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिजिटल भारत, खबर 7C।